मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का विश्व जनसंख्या वितरण में। जनसंख्या का विश्व वितरण अब तक हम पढ़ गए थे, जनसंख्या का विश्व वितरण पढ़ गए थे, लेकिन उसमें हम पढ़ गए थे कि अक्षांशों पर जनसंख्या का आकार, विकासशील देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण और देशों के अनुसार वितरण। अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, दूसरा अपना टॉपिक था जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाली जनसंख्या को क्या किया जाता है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, जिस एरिया में जनसंख्या रह रही है उस एरिया में, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में। दूसरी मैंने आपको बताया था इसके दो चार मतलब फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बताया था, गणितीय मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो उसमें क्या बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में मतलब कुल जनसंख्या अपोन में कुल क्षेत्रफल, की कुल जनसंख्या जितनी उस क्षेत्र में रही है जनसंख्या वो, और प्लस उसको डिवाइड किससे करते हैं, कुल क्षेत्रफल से। दूसरा मैंने आपको बताया था कायिक या पोषक घनत्व। कायिक और पोषक घनत्व में क्या होता है बच्चों कि जिस एरिया में जनसंख्या रह रही है वो, प्लस वहां पे कृषि योग्य भूमि कितने हैं, उसमें वो शामिल नहीं किए जाएंगे, जैसे शमशान भूमि है, चरागाह भूमि है, तालाब है, वो वाली भूमि शामिल नहीं की जाएगी। उसमें कौन सी भूमि शामिल की जाएगी बच्चों, कि उस एरिया में कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जा रही है। ठीक है, समझ में आया। अब अपन उसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल जनसंख्या अपॉन में कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया है कि जिस भूमि पर अपन कृषि करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक में जनसंख्या का विश्व वितरण क्या है। जनसंख्या का विश्व वितरण तीन प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो जनसंख्या सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, पूरे विश्व में जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, दूसरा मध्यम आकार वाले, तीसरा निम्न वर्ग वाले। ठीक है, तो पहले में देखो आप, मैं आपको बताती हूँ, लोग ज्यादातर छोटा सा टॉपिक बताती हूँ आपको, थोड़ा सा समझ में यूटी है। ज्यादातर जनसंख्या कौन से क्षेत्रों में रहती है, जहाँ की जलवायु अनुकूल हो, वहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ हो, किसी प्रकार की बाढ़ ना आए, कोई महामारी ना फैली हो, उस एरिया में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, देखो बुक के अकॉर्डिंग एक बार देख लो, इसके अंदर लोग अनुकूल और उपयुक्त स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, उपयुक्त भूभाग कम है, और उपयुक्त जो भूभाग है अपनी पृथ्वी पर वो कम है। क्यों, क्योंकि 71% भूभाग पर तो क्या है, जल ही है। दूसरी बात, कहीं पहाड़ भी है, नदी नाले भी हैं, ठीक है, और मतलब पहाड़ भी हैं, ठीक है, बंजर भूमि भी है, तो उस एरिया में लोग रहना कम पसंद करते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन में। उपयुक्त भूभाग कम है, यही कारण है कि विश्व की आधी जनसंख्या मात्र 5% से कम भूभाग पर और शेष आधी 50-60% भूभाग पर बिखरी हुई है। देखो 5% भूभाग पर जनसंख्या, आधी जनसंख्या रहती है, और आधी जनसंख्या मतलब पूरे विश्व में 50-60% भूभाग पर बिखरी हुई है। वितरण के आधार पर विश्व को तीन प्रकार के जनसंख्या प्रदेशों में बांटा गया है। पहला कौन सा टॉपिक होगा, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश देखो, मैं आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे 200 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अपना भारत भी दिखाई दे रहा है आपको, चीन है इधर, इंडोनेशिया भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर मैं आपको दिखाती हूँ उत्तरी अमेरिका के अंदर शिकागो जगह है। ठीक है, इस प्रकार के स्थान है जहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है, 200 से भी अधिक जनसंख्या। दूसरे में देखो डॉट से निशान दिख रहे हैं, उसमें 9100 से 200 के बीच में रहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसमें देखो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, देखो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश वे होते हैं जहाँ 2011 से अधिक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में
रहते हैं। इनमें निम्नलिखित तीन क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। मानसून एशिया, मानसून एशिया में देखो इसमें दक्षिण पूर्वी चीन, भारत, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, बांग्लादेश, सिंगापुर व जापान प्रमुख हैं। ये मुख्यतः नदी घाटी व उपजाऊ मैदानों का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है जिस कारण जनसंख्या का अधिक निवास है। यहाँ जहाँ अनुकूल जलवायु व लंबे वर्धन काल के कारण क्या है, वर्ष में चावल की खेती कितनी बार की जा सकती है, 2-3 बार उगाई जा सकती है। भूमि की अधिक वहन क्षमता, मतलब भूमि के ऊपर इसका मतलब क्या है, भूमि की अधिक वहन क्षमता कि हम एक वर्ष में इस भूमि पर 2-3 बार क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। भूमि की अधिक वहन क्षमता तथा भारत, चीन व जापान में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या का क्या है, भारी जमाव है। यहाँ कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व मतलब क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया तक है। मुक्त व्यापार का पतन होने के कारण सिंगापुर में जनसंख्या का घनत्व, पता है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कौन से देश में है, सिंगापुर में। वहां का कितना घनत्व है, प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 5000 व्यक्ति रहते हैं। अपने दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में भी 1100 के समथिंग व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। लेकिन सबसे अधिक कहाँ, पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो सिंगापुर में। दूसरा पॉइंट मानसून एशिया का मतलब समझा आपने, जो मैंने आपको पहले टॉपिक में दिखाया था उसमें मैप में भी दिखाया था, 200 से अधिक व्यक्ति वाले स्थान जिसमें अपना भारत था, चीन, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब सारे देश थे ना उसमें। दूसरा पॉइंट अपना आता है पश्चिमी यूरोप। देखो अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। तो इसका पहला, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है मानसून एशिया, दूसरा होगा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में उसमें मानसून एशिया में मुख्य कारण क्या है, कारण नदी घाटियां व उपजाऊ मैदान प्लस क्या है, औद्योगिकरण व नगरीकरण का विकास अत्यधिक या तीव्र गति से हुआ है। दूसरा पॉइंट अपना आता है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में खनन और निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ की उत्तम जलवायु के कारण भी जनसंख्या का अधिक संग्रहण पाया जाता है। यहाँ सघन जनसंख्या की पेटी इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक विस्तृत है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगी ये टॉपिक है, पेटी इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक विस्तृत है, मतलब पश्चिमी यूरोप। ये मैप में तो नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगी। तीसरा पॉइंट आता है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी प्रदेश, अपना यूएसए है। यूएसए के उत्तर पूर्वी और कनाडा के दक्षिणी पूर्वी तटों पर जनसंख्या का अधिक भारी बसा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यूरोप से अटलांटिक मार्ग मतलब इधर से पश्चिमी देशों को किससे जोड़ता है, यूएसए से जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका के देशों से जोड़ता है, पूर्वी कनाडा से जोड़ता है। मार्ग से आने वाले प्रवासी सबसे पहले यहाँ आकर बसे। इसे यहाँ उद्योग व्यवसाय तथा नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। जो जो इस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं बढ़ती गई थी तो लोग इस ओर आकर्षित होते गए। विरल जनसंख्या वाले प्रदेश या जनविहीन, देखो पहला पॉइंट अपना क्या था, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। अब दूसरा आता है अपना पॉइंट, उसमें 3 पॉइंट है, मानसून एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी मैदान। इसमें देखो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश तथा जनविहीन प्रदेश। विरल जनसंख्या वाले प्रदेश मतलब जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम रहती है जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। और अगर हम सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस देश में सबसे ज्यादा अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में लोग रहते हैं, जहाँ का घनत्व कितना है, 5000 व्यक्ति, सिंगापुर। विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश ये होते हैं जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग रहते हैं, जहाँ पे जरूरत से भी कम लोग रहते हैं, वो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश कहलाते हैं।
ऐसे प्रदेश धरातल के 3/4 भाग को घेरे हुए हैं। इनमें निम्नलिखित 4 प्रदेश शामिल हैं। पहला होगा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। अगर अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो अपना देखो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है थार मरुस्थल, उसमें राजस्थान के बीकानेर बाड़मेर जोधपुर इधर की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहने चाहिए वो उससे कम रहते हैं। जैसलमेर देखो उष्ण मरुस्थल, हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इन गर्म रेगिस्तानों में वर्षा बहुत कम होती है या कई बार होती भी नहीं है या ना के बराबर होती है। जल की कमी के कारण पशुचारण क्या हो रहा है, इनका मुख्य पशु व्यवसाय होता है पशुचारण। पशुचारण का मतलब है कि जब मौसम के अकॉर्डिंग मतलब पशु पालते हैं, जैसे भेड़ बकरियां ऊंट ये पाले जाते हैं इन क्षेत्रों में, तो इनको क्या करते हैं लोग, जब इन इधर गर्मी पड़ती है तो वो उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी कम होती है। ठीक है, कई बार नहीं भी होती, जबकि कमी के कारण पशुचारण मुख्य व्यवसाय है या जनसंख्या अत्यंत विरल है, कृषि कम होती है, वे केवल कंटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं। सारा कालाहारी सारा अफ्रीका महाद्वीप, कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप में है। अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है। पश्चिमी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अरब व थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। तथा सेनोरेन मरुस्थल यहाँ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे जनसंख्या क्या है कि बिल्कुल कम मात्रा में रहती है, बिल्कुल कम मतलब जनसंख्या विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों के। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट अपना है उष्ण मरुस्थल, दूसरा होगा अति ठंडे क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश, तीसरा होगा ठंडे मरुस्थल व उष्ण उच्च पर्वतीय प्रदेश, मतलब जहाँ पे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि लोगों को अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। चौथा पॉइंट अपना आता है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र, क्योंकि विषुवत या 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में क्या है अत्यधिक मात्रा में गर्मी होने के कारण लोग वहां पे जनसंख्या का निवास कम है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स।